देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर से। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की है। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने मुलाकात की। अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी मौजूद रही। सीएम आवास पर द कश्मीर फाइल्स की टीम पहुंची और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। नंदगोपाल नंदी के नेतृत्व में सीएम से मिली पूरी टीम। तो यहां पर द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पल्लवी जोशी भी इस दरमियान मौजूद रही, अनुपम खेर भी मौजूद रहे। द कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से अब ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब इसको लेकर अब राजनीतिक भी रूप जो है वो ले चुकी है मूवी ने, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात कई मायनों में खास। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी इस दरमियान मौजूद रही। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने मुलाकात के बाद सीएम ने ट्वीट किया है, फिल्म मजहबी आतंकवाद को आईना दिखाती है, ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करेगी, द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस फिल्म के जरिए सच्चाई को दिखाई गई है और लोगों को भी अब इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों की तरफ से, तो ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो कॉज, जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके जख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे। और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आपको बता दें कि ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम से मुलाकात की और उसके बाद सीएम का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है समाज और देश को जागरूक करेगी और जिस तरीके से सच्चाई को दर्शाया गया है इस फिल्म में, लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। तो द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंची। ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करेगी। फिल्म मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को आईना दिखाती है। इस खबर पर हमारे सहयोगी पंकज मंडल जुड़ चुके हैं। पंकज, द कश्मीर फाइल्स की जो टीम है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा द कश्मीर फाइल को लगातार जिस तरह से हाइट मिल रही है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की थी। उसके बाद आज जो कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, ये मिलने गए थे इनके साथ। जो आपको बता दें कि इनकी जो पूरी अनुपम खेर और सहित जो पूरी टीम थी वो सब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगभग पौन घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर उन्होंने धन्यवाद जताया है और आभार भी व्यक्त किया। वहीं पर आपको बता दें कि कश्मीर फाइल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं फिल्मों के द्वारा ये दर्शाया गया है, तो इसी को लेकर अब फिल्म को योगी आदित्यनाथ की तरफ से टैक्स फ्री भी किया गया था। तो तमाम ऐसी चीजें थी, तो कहीं ना कहीं फिल्म की वजह से लगातार जो कश्मीर में हुई घटनाएं थी उस पर फोकस जो किया जा रहा है, इसमें तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन ये जाहिर है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता हुई थी उसको इस फिल्म के द्वारा दर्शाया गया, जिसको कि लोग काफी इसको लोग इसको देख रहे हैं और लगातार इसमें इसकी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको लेकर भी तमाम बातें भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से पंडितों के साथ नरसिंहार हुआ था कश्मीर में, उसको लेकर जो फिल्म बनी है तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कुछ ट्वीट किया। बिल्कुल पंकज, और जनता भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है इस मूवी को। पंकज बने रहिएगा, और भी खबरों में आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको बता दें कि टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और ये मुलाकात भी कई मायनों में खास रही, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा द कश्मीर फाइल्स एक बेहतर मूवी है।